कर दिया। अब देखो फाइंड थ्री डिफरेंट रेशनल नंबर लिखने हैं 5/7 और 9/11 के बीच में। तो अपन पहले क्या करते हैं, 5 को डिवाइड कर लेते हैं 7 से। तो 5 को डिवाइड करेंगे 7 से तो ये पॉइंट आएगा 7×7=49, ठीक है। तो ये 50, ये 49 आएगा, 1 आ जाएगा, 10 3.71428। अब 7×8=56, ये फिर उसके बाद में 4 आएगा, 7×5=35, फिर उसके बाद में फिर दोबारा 5 आ गया और अगेन फिर ये कंटिन्यूस आगे बढ़ता चला जाएगा, यानी 0.714285 और 7×7 तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा फिर उसके बाद में 7×7=49, यानी यहाँ से रिपीटेशन हो जाएगा डिजिट्स का, यानी ये रेशनल नंबर हो गया एक तरह से, क्योंकि फिर 1 आएगा, फिर 2857 आएगा। सिमिलरली इसको 11 को डिवाइड कर, 9 को डिवाइड करते हैं 11 से तो 0.8, तो ये आएगा 9082 आएगा। फिर इसके बाद 1 से डिवाइड, 11×1=9 आ जाएगा। फिर इसके बाद में, फिर इसके बाद 8 टाइम्स ही जाएगा ये, फिर 2 आएगा, फिर 1, तो ये क्या आएगा 0.8181 यानी दोनों नंबर्स कैसे हैं, दोनों नंबर्स रेशनल नंबर्स हैं। दोनों नंबर रेशनल नंबर्स क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि रेशनल नंबर्स कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो ये नॉन टर्मिनेट भी हो रहे हैं, रिपीट भी कर रहे हैं। तो 0.7142857 बार और ये क्या है 0.81 बार, इन दोनों के बीच में हमें इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो इरेशनल नंबर अपन लिख सकते हैं, देखिए क्या लिखते हैं, 0.7142857। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, कुछ भी नंबर ले लेते हैं, तो ऐसे लिख देते हैं इरेशनल नंबर 0.7142939338975……… या फिर उसके बाद में और लिख लेते हैं 0.7596362839…… और −78293825…… यानी कि ये नॉन रिपीटिंग है, मगर नॉन रिपीटिंग है मगर टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। और जब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं तो वो कैसे नंबर्स होते हैं, दोज नंबर्स आर कॉल्ड एज इरेशनल नंबर। तो हमने दो रेशनल नंबर्स के बीच में ये 3 इरेशनल नंबर लिख दिए हैं। आप भी अपने बच्चे लिख सकते हैं, याद बस आपको रखना है नॉन टर्मिनेटिंग तो होंगे ही होंगे और रिपीट नहीं करें।